हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं तैयार हूँ बाहर जाने के लिए, जैसे कि दिवाली के लिए, मार्केट्स वगैरह, फेस्टिवल के लिए तैयार हो चुकी हैं, सज चुकी हैं। तो चलिए आपको भी बताती। 22 की मार्केट लाइट से कितनी डेकोरेट हुई है, देखिए सामने बहुत ही अच्छी लग रही है रात के टाइम में। और ये 17 में पहुंच गए हैं हम, जहाँ पे फेयर लगा हुआ है। एंटर करने के बाद राइट साइड पर बहुत अच्छा फूड कोर्ट बना हुआ है, और इसमें तीन बड़े बड़े पवेलियन हैं, हॉल हैं, जिसमें सबसे पहले ये देखिए लेडीज सूट्स हैं। तो यहाँ पर तरह तरह के सूट्स थे, जैसे स्टिच्ड भी हैं, अनस्टिच्ड भी हैं, और ये बहुत ही सुंदर वैरायटी थी इनके पास। वेलवेट के सूट्स थे, कोट सेट्स थे, तो काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे, कश्मीरी पश्मीना के भी काफ़ी वैरायटी थी। तो ये होम फर्निशिंग का है काफ़ी कुछ यहाँ पे सामान, जिसमें कुशन कवर, टेबल मैट्स, सोफ़ा कवर्स, काफ़ी वैरायटी बेडशीट्स की लगी हुई थी। और ये होम डेकोर की हैं, मेटल्स की आइटम्स, बहुत ही सुंदर। तो ये एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें लेडीज़ हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह हैं, और सामान भी है काफ़ी। तो ये काफ़ी हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स का सामान है, डिफरेंट जैसे गुजरात, बंगाल, उड़ीसा वगैरह से भी काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे। ये देखिए पर्सेस वगैरह हैं लेडीज़, और ये एक बहुत ही अलग डिफरेंट स्टाइल में डिज़ाइन आर्ट स्टाइल था कुछ, जिसमें वॉल पेंटिंग्स हैं, सर्विंग ट्रेज वगैरह, काफ़ी आइटम्स थी, सुंदर लग रही थी जो। और ये देखिए मेटल्स के डेकोरेटिव आइटम्स हैं, और ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे लाइट्स में, ये रीजन आर्ट के जो स्टाइल्स पैटर्न्स थे। और इधर एक तरफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स प्लांट्स की भी बहुत बड़ी स्टॉल लगी हुई थी, इसमें से हमने भी कुछ परचेज़ किए हैं। और ये इस तरह से वुडन पर कुछ आर्ट किया हुआ था, वो भी अच्छा लग रहा था, जैसे टेबल लैंप्स हैं, वासेस हैं, काफ़ी वैरायटी थी इनकी भी। और फिर से ये लेडीज़ आइटम सूट्स वगैरह की तो काफ़ी ही स्टॉल्स थी, तो डिफरेंट स्टाइल में कश्मीरी, इस तरह से काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे। और ये हमारा खाने का स्टॉल्स, जिस पे काफ़ी रश था, डिफरेंट स्टाइल्स की नमकीन्स और गज्जक पट्टी वगैरह थी, जिसमें कि लोग टेस्ट भी कर रहे थे, परचेज़ भी कर रहे थे। बहुत तरह तरह की वैरायटी थी तिल के आइटम्स की स्पेशली, और रश भी काफ़ी था यहाँ पर। और ये फिर ड्राई फ्रूट सेक्शन, अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स, पाकिस्तानी, काफ़ी तरह के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर। ये अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल है, और इसी तरह से और भी स्टॉल्स लगे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स के। और डेकोरेटिव आइटम्स तो दिवाली का सीज़न है, काफ़ी ज़्यादा थी हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट की, ये डिफरेंट रीजनल्स के मतलब लगे हुए थे स्टॉल्स। और ये फिर बाहर भी एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें सिंगिंग और डांसिंग वगैरह चल रही थी, जो कि मैं इसमें नहीं डाल सकती। और ये फिर एक लास्ट पवेलियन जो है, उसमें भी कुछ इसी तरह की लेडीज़ की और होम डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे छोटे छोटे स्टैचूज, आर्ट पीसेस लगे हुए हैं। तो तो ये जैसे बहुत कि ही अच्छा अभी था दिवाली फेयर। आ रही है, बहुत ही नज़दीक है, और मार्केट में बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें हमारे को मिल रही हैं डेकोरेशन के लिए, होम डेकोरेटिव आइटम्स। लेकिन कई बार मन होता है कि अपने हाथ से भी कुछ बनाया जाए, तो ऐसा ही कुछ मेरे भी दिमाग में एक आइडिया आया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी ब्यूटीफुल सा कपड़ा हो, जिसमें कि शाइनिंग बहुत ही अच्छे से ब्राइट करे। तो ये मेरे पास एक इस तरह से वेलवेट का कपड़ा है, जिसके ऊपर की ये गोल्डन स्पार्कलिंग लगी हुई है। और सबसे मेन जो है हमारे पास ये एक थर्मोकोल की गिलास है छोटी वाली, इसको मैंने इस तरह से रखकर इसका जितना भी हमारा लंबाई में एरिया है, इसको मैंने ऐसे टेढ़े में तिरछे में इसको कट करना है, ऐसे किया है। इससे इजीली हमारे पास जो है
ये चिपक जाएगा, इससे हम इसको फिक्स कर पाएंगे ना। इसमें कोई सिलाई का झंझट है और एकदम से तैयार होने वाली आइटम है। तो जैसे मैंने ये मार्क कर लिया है, मेरे को इतना चाहिए ये। तो इस तरह से मैं इस तरह टेढ़ी पट्टियां काट लूंगी जितने भी मेरे को ये चाहिए ग्लासेस के लिए। तो ये इस तरह से मैंने जैसे एक ये पट्टी निकाली है और इसको हम गम से या किसी भी फिक्सर से इसको इस तरह से हम इस पर लपेट देंगे, फिक्स कर देंगे। तो ये इसके ऊपर मैंने गम लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर ऐसे इसको कपड़े को रखकर प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से इस पर फिक्स हो जाए। ये रेडी हो जाएगा और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल देंगे। ये अब हम ऊपर से भी इसको इस तरह से सेंटर में से इकट्ठा करके ऊपर चिपका लेंगे, नीचे से अच्छी तरह से खींचते हुए यहाँ पे इसको जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा थोड़ा आएगा इस तरह से इसको, ये देखिए इस तरह से ये हमारा थोड़ी देर में ये सूख कर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मेरे पास एक बहुत सुंदर सी लेस है, आपके पास भी जो सुंदर सी लेस हो किनारों वाली आप भी उसको लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे, कोई सिलाई का झंझट नहीं होगा, बहुत सुंदर लुक देगी ये। इस तरह से इसको चिपका लेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुत सुंदर सी आइटम बन के तैयार होगी। पहले हम ये सभी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने 5 तैयार कर ली हैं, इस तरह से अपना कवर किया इनको और नीचे से इनमें ये मैंने लगा दिया है गोटे वाली पत्ती। बहुत सी हैंगिंग हम बना सकते हैं इनसे, आप जितनी भी चाहो प्रिपेयर कर सकते हो। ये मैंने इस तरह से ली है, ये मोतियों की गोल्डन कलर में है, ये ऐसे ही लड़ी आती हैं उसमें, ये हैंग करने के लिए भी बना हुआ है एक साइड से। तो हमें इसमें अब इसको डालना है, ये सेंटर में जो स्पेस है बिल्कुल सेंटर में हम इसको मोरिये बना लेंगे इस तरह से। ये मैंने नाइफ लिया है जिसकी किस चोंच है बहुत निकली हुई, तो इसको पहले मैं इधर से ही करती हूँ सेंटर से। तो ये कट लगा लिया है और इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि ये थोड़ा राउंड शेप में आ जाए। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, देखिए जो मेरे पास ये लड़ियाँ बनी हुई हैं गोल्ड वाली, रेडीमेड हैं ये। और इसमें मैंने एक ये पहले से ही डाल दिया था जो गोटे का फ्लावर सा बना हुआ है रिंग, और इसके नीचे से मैंने इसको ऐसे निकाल लिया है। तो ये जैसे इसको हम फिक्स कर देंगे गम से ताकि इसमें भी अच्छी फिनिशिंग आ जाए और अच्छा लगे ऊपर से देखने में भी, बड़ी वार्म सी एलिगेंट सी लुकिंग आएगी इससे। और ये मटेरियल हमें कहीं भी नहीं मिलने वाला ऐसे बना हुआ, बहुत मेहनत से हम अपने मन चाहे मटीरियल से बहुत ही एलिगेंट सी चीज़ बना सकते हैं। ये इस तरह से लग रहा है ना, बहुत सुंदर। तो ये तैयार हो चुकी हैं हमारी बेल्स, प्यारी प्यारी सी बेल्स। तो ये एक और 34 सेक्टर में हम गए थे जहाँ पर 2 फेयर्स और लगे हुए हैं, फेस्टिवल फेयर्स। और ये देखिए उसमें भी बहुत तरह तरह का सामान था, इजी टू मेक लाइफ, जैसे हमारे को कई बार बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं वो एकदम से हमें मेले में दिखाई देती हैं। और ये बच्चों के लिए काफ़ी गेम्स थी, और ये इधर सेरेमिक जो पॉट्स आइटम्स वगैरह हैं उसकी भी काफ़ी स्टॉल्स लगी हुई हैं, हर तरह का सामान, चाहे लेडी सूट्स हो चाहे हैंडीक्राफ्ट्स का हो। तो जैसे ये हमारे कारपेट्स वगैरह हैं, इस तरह की काफ़ी वैरायटीज़ वहाँ पे लगी हुई थी स्टॉल्स की। तो आप भी यहाँ पर जाकर तरह तरह की चीज़ों का एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा कि झूले वगैरह अम्यूज़मेंट्स जो हैं, पार्क वाटर गेम्स वगैरह हैं, वो भी काफ़ी इसमें लगे हुए हैं, तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं। और आइटम्स भी आपको एकदम से मिल सकती हैं, तो आप भी जाइए और इंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है। और 34 सेक्टर में ही बैक साइड में इसके फेयर के अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था म्यूज़िक का, जैसे कि आप थोड़ा सुन भी सकते हैं। तो हम लेट हो रहे थे और हम इस तरह से हमने एंजॉय किया और घर पर आ गए थे रात को।